हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लाजो पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये मैंने पॉकेट की कटिंग कर ली है जिसकी लेंथ कम से कम 13 इंच है और इसकी ऊपर से 6 इंच है और नीचे से 7 इंच है। तो अब हम इसको पैंट में कैसे ज्वाइंट करेंगे वो बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट है जिस पे हम इस पॉकेट को रखेंगे। तो ये हमारा सीधी साइड है और हम इसको पॉकेट को भी इस पे सीधी साइड ही रखेंगे और इसको बिल्कुल यहाँ इस तरफ ऐसे रखेंगे राइट साइड, और ऊपर से 2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसका जो ये है पॉकेट का माउथ, ये हम 6 इंच का करेंगे जिसमें हमारा हाथ आसानी से जा सके। अब भी हम, तो फ्रेंड्स, इस निशान से और इस निशान पर हम आधा इंच स्टिच करेंगे, आधा इंच की चौड़ाई पे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस पे स्टिच कर दिया है। अब जो निशान मैंने लगाए थे इस पे मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी सिलाई तक, इस तरह से। कट लगाने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से नेल्स से प्रेस कर देंगे जिससे बिल्कुल सीधा हो जाए। प्रेस करने के बाद इनको इस तरह से सीधा कर देंगे दोनों कट को आपस में ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम एक पंजे की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। अब जो इसका ये बैक साइड थी इस पॉकेट की, इसको हम इस तरह से बैक साइड से ही इस तरह से कर पकड़ेंगे और इस पे से यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब मैं इस पॉकेट को सीधा करूँगी इस तरह से, इस तरह से हम अपनी पॉकेट को सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद यहाँ से लेकर और इसके माउथ से अलग होकर जब यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे, इसके माउथ से हटा के यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। स्टिच करने के बाद हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आया हुआ है हम इसको कट कर देंगे इस तरह से, और फिर इस पार्ट को बॉटम पार्ट से ज्वाइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।